नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले हमारे जो पिछले वीडियोस हैं लेसन नंबर 6 के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी किसी क्वेश्चन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है। और मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का भी वीडियो अपलोड किया था, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है, आपको लेसन नंबर 6 पूरा के पूरा पढ़ना है, समझना है, और जो मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो डाला था आप उसको भी पहले देखो, समझो, और फिर आप इस वीडियो को देखना, ठीक है, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इसमें स्टेट द सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। देखिए यहाँ पर ना ए और बी करके दो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें आपको क्या क्या बताना है, पहला तो आपको सैंपल स्पेस बताना है और यहाँ पर एन ऑफ एस बताना है। क्या क्या बताना है देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस बताना है एंड एन ऑफ एस, ठीक है। तो देखिएगा इसमें ए क्या दिया है, ध्यान से आप पढ़ते जाना अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है इसमें, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन टेल अ डाई इज थ्रोन। तो आप इस क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को दो बार क्या किया गया, टॉस किया गया, ठीक है। तो जब हम कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस देन सैंपल स्पेस क्या होगा, जब एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो समझो कि उस पर हेड आया, ठीक है। अभी उसको दोबारा से टॉस किया तो समझो कि फिर से क्या आ गया, हेड आ गया, मतलब हेड हेड आ सकता है, या फिर पहली बार में हेड और दूसरी बार में टेल आ सकता है, या फिर पहले बार में टेल और दूसरी बार में हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही बार में क्या आ सकता है, टेल टेल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेल टेल, ठीक है। आप बोलेंगे ये तो हमारा सैंपल स्पेस आ गया, लेकिन नहीं, अभी क्वेश्चन को आप आगे भी पढ़िए, ठीक है। क्या दिया इसमें, इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन टेल अ डाई इज थ्रोन, मतलब अगर सेकेंड थ्रो, मतलब जब हमने दूसरी बार क्या किया, उस सिक्के को उछाला, तो अगर टेल आता है तो फिर अ डाई इज थ्रोन, मतलब तब क्या किया गया, एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है, समझना मेरी बात को। देखो मैं यहां पर लिख रही हूं इस कंडीशन को, बट इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल अ डाई इज थ्रोन, देखिए क्या लिखा है यहां पर कि इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, मतलब अगर दूसरी बार में क्या आता है, टेल आता है, देन अ डाई इज थ्रोन, तब उसके बाद एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड टाइम पे कहाँ पर टेल आया है, देखो आपका सिंपल स्पेस क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो पहले क्या आया, हेड हेड, ठीक है। अब हेड और टेल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी बार में क्या आया है, टेल आया है, तो जब दूसरी बार में टेल आता है तब क्या किया जाता है, एक डाई को थ्रो किया जाता है, राइट। तो जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर क्या क्या होंगे, या तो वन आएगा, या तो टू, या तो थ्री, या तो फोर, या तो फाइव, या फिर सिक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो अगर दूसरी बार में टेल आ गया तो हम क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एस टी वन आ सकता है, मतलब हेड टेल और उस डाई के ऊपर वन, राइट, फिर हेड टेल और डाई के ऊपर टू, फिर
हेड टेल थ्री, एच टी फोर, फिर एच टी फाइव, एच टी सिक्स, इसके आगे हुआ क्या? नहीं, यहीं पर आप रुक जाइए, क्योंकि जो डाई होता है उसमें बस वन से लेकर के सिक्स तक ही नंबर्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है, देखो टी एच, तो टी एच लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, टी टी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी बार में क्या आया है, टेल आया है। तो जब दूसरी बार में टेल आता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर टी टी वन आएगा, टी टी टू, टी टी थ्री, टी टी फोर, टी टी फाइव एंड टी टी सिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, राइट। अब आपको क्या लिखना है, एन ऑफ एस, तो काउंट करिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो यहाँ पर आप लिख दो 14। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया, ठीक है। तो अगर हम एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा एच एच एस टी टी एच टी टी, ठीक है। फिर आगे कंडीशन क्या दिया था कि इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन टेल, मतलब अगर दूसरी बार में टेल आता है तब उसके बाद एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक। तो जहां पर भी देखो सेकेंड थ्रो, जहां पर भी टेल आया है वहां पर हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, राइट। तो क्या आ गया, देखो एच टी वन, एच टी टू, फिर एच टी थ्री, ऐसे करके हमने यहाँ पर ये सैंपल स्पेस लिख दिया है, और फिर इनको काउंट किया और यहाँ पर एन ऑफ एस हमने लिख दिया। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर वन का ए था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बी वाला करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए बी, इसमें क्या दिया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ देखो क्या लिखा है इसमें, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को दो बार उछाला गया, ठीक है। इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन हेड, अ डाई इज थ्रोन, मतलब अगर दूसरी बार में, जैसे देखो पहले बार हमने सिक्कों को उछाला, कुछ भी आने दो, हेड टेल कुछ भी आने दो, लेकिन अगर दूसरी बार में जब हम दूसरी बार सिक्के को उछालते हैं तो अगर हेड आता है तब अ डाई इज थ्रोन, तब क्या किया गया, एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। अगर दूसरी बार में हेड आया तो एक डाई को थ्रो किया गया, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब दूसरी बार में हेड नहीं आता है तो फिर किसको टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है, सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस बताना है, ठीक है। तो समझना, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो मैं यहीं पर लिख रही हूं, अगर हम एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन हेड, चलो मैं यहाँ पर कंडीशन लिखती हूँ, बट इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन हेड, अ डाई इज थ्रोन, फिर आगे क्या दिया है, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस, ठीक है। तो अब यहां पे आप ध्यान देना, देखो यहां पर क्या लिखा है कि इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन हेड, मतलब अगर दूसरी बार में हेड आता है, जैसे यहां पर देखिए, यहाँ पर देखो दूसरे टाइम पे हेड आया, यहाँ पर भी हेड आया, तब क्या किया गया, अ डाई इज थ्रोन, मतलब तब ना एक डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। और अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरे बार में हेड नहीं आता है, जैसे यहाँ पर देखो टेल आया, टेल आया, दूसरी बार में हेड आया है क्या, नहीं, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब एक कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, हेड
हेड, मतलब दूसरी बार में देखो क्या आ गया, हेड आ गया, तब क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखिए एच एच वन आएगा, एच एच टू आएगा, फिर एच एच थ्री आएगा, एच एच फोर आएगा, फिर एच एच फाइव, एच एच सिक्स, ठीक। फिर यहाँ पर देखो क्या है, टी एच, तो दूसरी बार में देखो यहाँ पर क्या है, हेड है, मतलब फिर से क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर टी एच वन आएगा, टी एच टू, टी एच थ्री, टी एच फोर, फिर टी एच फाइव एंड टी एच सिक्स, ठीक, इतना आपको क्लियर है। फिर आगे देखो क्या है, एच टी, तो यहाँ पर दूसरी बार में हेड आया है क्या, नहीं आया है, तो जब दूसरी बार में हेड नहीं आता है तब एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब यहाँ पर एच टी एच आएगा या फिर एच टी टी आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब एच टी एच और एच टी टी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, टी टी, तो देखो यहाँ पर दूसरी बार में हेड आया है क्या, नहीं, दूसरी बार में टेल आया है, तो फिर एक कॉइन को टॉस करेंगे, राइट, तो यहाँ पर टी टी एच हो जाएगा और टी 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 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर एन ऑफ एस क्या होगा, देखो एन ऑफ एस इज इक्वल टू, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया एन ऑफ एस, 16। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, ओके, तो देख लो आप इसको, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या दिया है कि इन अ बैग देयर आर 3 बॉल्स, 1 ब्लैक 1 रेड एंड 1 ग्रीन, मतलब एक बैग में 3 बॉल्स है, एक है ब्लैक कलर का, एक है रेड और एक है ग्रीन, ठीक है। 2 balls are drawn one after another with replacement, मतलब 2 balls को क्या किया गया, मतलब वो जो बैग है ना उसमें से निकाला गया with replacement, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्टेट सैम्पल स्पेस एंड एन ऑफ एस, मतलब आपको यहाँ पर सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, देखो लेट ब्लैक रेड एंड ग्रीन बॉल्स बी डिनोटेड बाय बी आर एंड जी रेस्पेक्टिवली, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जो ब्लैक वाला बॉल रहेगा ना उसको हम डिनोट करेंगे बी से, रेड वाले को आर से और ग्रीन वाले को जी से, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझना, देखो इसमें क्या दिया है कि 2 balls are drawn one after another with replacement, देखो यहाँ पर क्या दिया है with replacement, तो इसका मतलब क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, जैसे मैंने बॉल निकाली और फिर मैं क्या करूँगी उस बॉल को उसी बैग में दोबारा से डाल दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि मैं निकालूंगी और फिर उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 balls are drawn, मतलब 2 balls को क्या किया जाता है, उस बैग के अंदर से निकाला जाता है वन आफ्टर अनदर, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ में, पहले एक निकालो फिर दूसरा वाला निकालो, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस बताना है, तो आप समझना, देखो ये आपका क्या है, समझो ये आपका बैग है जिसमें 3 balls हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लैक, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगी सैंपल स्पेस को, ठीक है। तो समझो मैं पहली बार इस बैग के अंदर हाथ डाल रही हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ में ब्लैक वाला बॉल आ सकता है, रेड वाला आ सकता है या फिर ग्रीन वाला आ सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो मेरे पास ब्लैक वाला बॉल आ सकता है या फिर मेरे पास रेड वाला आ सकता है या फिर मेरे हाथ में जो ग्रीन बॉल है वो आ सकता है, राइट, इन दोनों में से कोई भी मेरे हाथ में आ सकता है, ठीक। ये तो पहली बार का हो गया, मैंने समझो कि मैंने ब्लैक वाला बॉल निकाला, ठीक है, ब्लैक वाला बॉल मैं निकाल लेती हूँ,
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर उस ब्लैक वाले बॉल को उसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, आपको निकाल करके बाहर नहीं रखना है, आपको फिर उसी में डाल देना है। अब मैं दोबारा से उसमें हाथ डालती हूँ, तो या तो मेरे हाथ में ब्लैक वाला बॉल आएगा, या फिर मेरे हाथ में रेड वाला आएगा, है ना, या फिर मेरे हाथ में कौन सा बॉल आएगा, ग्रीन वाला आएगा। ठीक है, क्लियर आपको इतना समझ में आया? ठीक, अब समझो पहली बार जब मैंने हाथ डाला तो मेरे हाथ में रेड वाला बॉल आया। ठीक है, रेड वाला बॉल आया, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, रेड वाला बॉल आया। फिर मैं क्या करती हूँ, रेड वाले बॉल को उसी के अंदर डाल देती हूँ। अब जब मैं दूसरी बार उसमें हाथ डालूंगी तो या तो मेरे पास ब्लैक वाला बॉल आ सकता है, या फिर रेड वाला आ सकता है, या फिर ग्रीन वाला, है ना। अब पहली बार जब मैं उसमें हाथ डालती हूँ तो मेरे हाथ में या तो ब्लैक वाला आएगा, या तो रेड वाला आएगा, या फिर ग्रीन वाला भी आ सकता है ना, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ग्रीन वाले को उसी के अंदर डाल देती हूँ। राइट, अब मैं जब दूसरी बार उसमें हाथ डालूंगी तो या तो मेरे पास ब्लैक वाला बॉल आ जाएगा, या फिर ग्रीन के साथ क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, या फिर ग्रीन और ग्रीन, मतलब दोनों ही बॉल्स एक ही कलर के हो सकते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब यहाँ पर एन ऑफ एस कितना होगा, काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर एन ऑफ एस क्या आ गया, 9। ठीक है, आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको देख लो, फिर हम नेक्स्ट वन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, अ कॉइन एंड डाई आर टॉस्ड एट सिंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं लिखती हूँ अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड, देन सिंपल स्पेस क्या होगा। देखिए एक कॉइन और एक डाई को जब हम टॉस करेंगे, मतलब देखो जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। राइट, अब कॉइन के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो डाई है ना उसको भी थ्रो कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कॉइन पे क्या है, हेड आए और जो डाई है ठीक है उसके सरफेस पर 1 आ जाए, तो हेड 1, फिर 2 भी आ सकता है H2, फिर 3 भी आ सकता है तो H3, फिर 4, फिर H5 एंड H6। समझ में आया आपको? फिर अब देखो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो टेल आ सकता है या तो हेड, तो हेड वाला तो हमने लिख लिया, अभी टेल वाला बाकी है। तो टेल के साथ क्या क्या आ सकता है जब हम डाई को थ्रो करेंगे, तो टेल के साथ क्या क्या आ सकता है, T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3, T4, फिर T5 एंड T6। ठीक है, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब इसमें 3 इवेंट्स दिए गए हैं तो आपको इन इवेंट्स के ना सैंपल स्पेस लिखने हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि लेट इवेंट ए, इसमें क्या दिया है कि गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड और इवन नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, हेड और इवन नंबर, तो हेड के साथ इवन नंबर, ये देखो H2 हो जाएगा, फिर H3 होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेड तो है लेकिन 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। H4 होगा क्या, हाँ, हेड और इवन नंबर। फिर H6 होगा, हाँ, H5 नहीं होगा क्योंकि 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। राइट, तो यहाँ पर देखो सैंपल स्पेस क्या क्या आ गया, ए इवेंट का H2, H4 और H6, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब बी वाला देखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखो कि लेट इवेंट बी। तो अब बी इवेंट में क्या दिया है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या लिखा है यहाँ पर, गेटिंग अ प्राइम नंबर,
तो क्या आएगा, देखिए प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, राइट। तो यहाँ पे बस बात की जा रही है किसकी, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर जहां जहां पर भी आप दिखे ना, आप उसको लिख डालो। तो क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब टू प्राइम नंबर है क्या? हाँ, देखो टू के ना दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वन होगा और दूसरा टू खुद होगा। तो यहाँ पर आप लिख देना एच टू। एच थ्री मतलब ये देखो थ्री, थ्री के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो वन और थ्री खुद, राइट। तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद फोर नहीं है, फाइव हाँ फाइव प्राइम नंबर है। फिर सिक्स नहीं है, वन नहीं टू है, तो यहाँ पर लिख दो टी टू। फिर थ्री है तो थ्री को भी लिख देते हैं। उसके बाद फोर नहीं आएगा, टी फाइव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी, समझ में आया। अब सी वाला देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी लेट इवेंट सी। तो इसमें क्या दिया है पढ़ते हैं, गेटिंग अ टेल एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, गेटिंग अ टेल एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या। जैसे देखो अगर आप वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। अगर आप टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, फोर आएगा, राइट। अगर आप थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा। अगर आप फोर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सिक्सटीन आएगा, ठीक। अब देखो इसका आप स्क्वायर रूट निकालो, वन आएगा। इसका निकालो क्या आएगा, टू आएगा। इसका निकालो क्या आएगा, थ्री आएगा। इसका निकालो क्या आएगा, फोर आएगा। मतलब देखो ये सभी क्या है, आप समझना, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आया, वन आया। जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया, वन आया। इसका जब हमने स्क्वायर किया तो फोर आया, और जब देखना टू को जब हमने स्क्वायर किया तो फोर आया, ठीक है। फिर जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया, अगेन टू आ गया। मतलब यहाँ पर ये जो सभी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। वन है, फोर है, नाइन है, सिक्सटीन है, वैसे ही ट्वेंटी फाइव हो सकता है, फिर थर्टी सिक्स। ये सभी नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। समझ में आ गया आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि गेटिंग अ टेल मतलब टेल और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। टेल आना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, C इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए टेल और उसके साथ क्या है, वन है। तो वन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी वन, ठीक है। टू है क्या, नहीं। थ्री है क्या, नहीं। फोर है क्या, हाँ फोर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी फोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें क्या दिया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। देखिए यहाँ पर जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं ना, आपको इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या बताना है, एन ऑफ एस बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए क्या दिया है, इसमें फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 25 लॉटरी टिकट्स एंड थ्री टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। मतलब देखो आपके पास ना 25 लॉटरी के टिकट्स हैं जो कि एक बॉक्स में है, ठीक है। आपको क्या करना है, उनमें से ना वो जो 25 टिकट्स हैं उसमें से थ्री टिकट को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आप इनको कितने वे से निकाल सकते हो, ईजी है, आप समझना। हाँ यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशन का। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट करना रहता है, राइट। और परम्यूटेशन में क्या रहता है, आपको अरेंज करना रहता है। जहाँ पे भी अरेंजमेंट आया मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन का कंसेप्ट आएगा, और जहाँ पे भी सिलेक्शन आया वहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो आपको क्या करना है, 25 लॉटरी टिकट्स में से थ्री टिकट्स को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो कि थ्री टिकट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम
25 टिकट्स इन, क्या आएगा यहाँ पर? देखो आपके पास कितने टिकट्स हैं, 25 हैं, आपको 3 को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो 25C3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको N ऑफ S मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी therefore N ऑफ S इज इक्वल टू 25C3। तो आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है ना, तो सबसे पहले क्या आता है 25 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर R फैक्टोरियल, तो यहाँ पर R क्या है 3 और 25 क्या है आपका N है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल फिर इंटू 25 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। अभी जो 25 फैक्टोरियल है ना, इसको हम एक्सपांड करते हैं, तो 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, ओके। फिर ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 25 माइनस 3 करिए तो क्या मिलेगा आपको 22 फैक्टोरियल, राइट। अब क्या होगा, देखो 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल दोनों हो गए कैंसिल, फिर 2 1 2 2 1 2 2 2 4, फिर 3 1 3 3 4 12, यहाँ पर क्या क्या आया देखो 25 इंटू 4 इंटू 23, तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 25 4 100 100 इंटू 23 करेंगे तो N of S आपको मिलेगा 2300, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का A कंप्लीट कर लिया, समझ में आया। चलो अभी हम B वाला करते हैं, तो इसमें क्या दिया है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एनी 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रेंडम। तो यहाँ पर भी आप समझना, देखो 4 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें से क्या करना है 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ देयर आर, तो यहाँ पर कितने बॉयज हैं, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, देयर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 है। देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि एनी 2 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें से किसी भी 2 स्टूडेंट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। तो 7 में से 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे भी सेलेक्शन, मतलब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ गया, कॉम्बिनेशन का, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगी कि 2 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 स्टूडेंट्स इन, क्या आएगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7, ठीक है। इनमें से आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है, मतलब 7C2, ठीक है। सो देयर फॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 7C2, इट मीन्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और फिर यहाँ पर 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर 2 1 2 2 3 6, और 7 इंटू 3 कर देंगे तो 21, मतलब N ऑफ S कितना आ गया 21, तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब देखिए यहाँ पर C, इसमें क्या दिया है, 5 बॉल्स आर रेंडमली प्लेस्ड इंटू 5 सेल्स सच दैट इच सेल विल बी ऑक्यूपाइड। देखो आपके पास 5 बॉल्स हैं एंड 5 सेल्स भी हैं, आपको क्या करना है उनमें ना, उन बॉल्स को, मतलब जो भी सेल्स हैं उनमें ना रखना है। तो सोचो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होगा कि परम्यूटेशन का,
कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सिलेक्शन। और परम्यूटेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट। तो आपको यहाँ पर अरेंज ही करना है ना, फाइव सेल से फाइव बॉल्स है, आपको क्या करना है, बॉल्स को उसमें रखना है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा? परम्यूटेशन का। तो क्या लिखेंगे हम? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या दिया है, फाइव बॉल्स आर रैंडमली प्लेस इन इंटू फाइव सेल्स सच दैट ईच सेल विल बी ऑक्यूपाइड, सच दैट ईच सेल विल बी ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर n ऑफ s क्या होगा? देखो आपके पास पांच सेल हैं और पांच बॉल्स भी हैं, तो यहाँ पर 5p5 आ जाएगा, इट मीन्स 5 factorial। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 factorial मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120। तो यहाँ पर n ऑफ s क्या आ गया? 120। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो अब हम लास्ट वन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 6 strands आर अरेंज इन अ रॉ फॉर फोटोग्राफ। देखो एक रॉ है जिसमें 6 strands को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर n ऑफ s बताना है। तो समझो इसको, यहाँ पर मैं लिखूंगी कि 6 students कैन बी अरेंज्ड इन अ रॉ इन 6p6। यहाँ पर भी परम्यूटेशन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है? अरेंज करना है। तो n ऑफ s क्या हो जाएगा इसमें? 6p6, इसका मतलब क्या? 6 factorial। तो 6 factorial मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 6 × 5 = 30, 34 = क्या होगा? 120, 120 × 3 = 360, 360 × 2 = 720। तो ये आ गया आपका n ऑफ s। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का a ये है, b ये है, c ये है और d ये है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 और 4 किया, ठीक है। अब बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी सम में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।